हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय भूगोल की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी। सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक्स दोस्तों सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अपनी दो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, आज अपनी इसमें तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित दोस्तों टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2021 तक विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा में जाने से पहले ये सारी की सारी क्लासें हैं ये आपको देखनी बहुत जरूरी है, और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पुलिस भारतीय भूगोल के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली जो दो क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित है पहला प्रश्न, देखिए। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, खेबर, बोलन, कराकोरम और सिपकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है आर्यों ने भारत में दोस्तों खेबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों सिकंदर के बाद जितने भी आक्रमणकारी आए थे, जैसे चंगेज खां, बाबर, मोहम्मद गजनवी, तैमूर, ये सभी हैं, ये इस खेबर दर्रे से होकर आए थे ऐसा माना जाता है। और ये वर्तमान में खेबर दर्रा कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है वो कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों कौन सा, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है सिपकिला। सिपकिला जो दर्रा है वो दोस्तों कहाँ का दर्रा है, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी, और ये परीक्षा में 100% पूछा जाएगा सिपकिला दर्रे के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है तथा सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, यह भी इसको आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसी सिपकिला दर्रे का उपयोग है वो भारत चीन व्यापार के लिए भी किया जाता है, इसका प्रयोग सिपकिला दर्रे का। ठीक है, तो समझ में आ गया, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें ये बनिहाल दर्रा स्थित है, और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें चार नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से हैं, तो थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेन कोटा गेप। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, ये तीनों के तीनों दर्रे हैं, ये पश्चिमी घाट के हैं, लेकिन जो यहाँ पे पीपली घाट दे रखा है, तो दोस्तों ये पीपली दर्रा है ये अरावली में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टॉप 40 प्रश्न है दर्रों से संबंधित जो आपको इसमें याद रखने हैं। अगर आप ये 40 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो दर्रे से संबंधित गलत नहीं होगा। आगे देखिए, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है?
पीपली घाट दर्रा है ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ये राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसमें ये दर्रा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरावली में है स्थित है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 6 नंबर प्रश्न है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों जो जिला दर्रा है ये किसको जोड़ता है ये आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कौन सा दर्रा, जो जिला दर्रा, ठीक है। नेशनल हाईवे एक डी इसी दर्रे से होकर गुजरता है, यह भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी आपको बताया था जो पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे हैं उनमें से ये एक दर्रा है पालघाट, ठीक है। और जो ये पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है और ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो यानी कि कोच्चि कहां पर है, तो केरल में, और कोयम्बटूर कहां पर है, तो तमिलनाडु में। तो यानी कि ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है यानी कि केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। और इसी दर्रे से मानसून पवने तमिलनाडु में आंतरिक भागों तक पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कई बार केरल तमिलनाडु ने देकर कोच्चि कोयम्बटूर दे देता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तुजू दर्रा है ये भारत को किस देश से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है म्यांमार से जोड़ता है ये तुजू दर्रा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 9 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है, सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिक्किम राज्य में स्थित यह नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच सामरिक महत्व का केंद्र है, जो तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इसी नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बोमडिल्ला दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये बोमडिल्ला दर्रा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है जो जिला दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है जो जिला दर्रा, और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कौन सा दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो देखिए एक तो है नाथुला और एक है जेलेपला, ठीक है, जेलेपला और नाथुला दर्रा है, ये दोनों के दोनों दर्रे हैं ये दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। मैंने भी आपको बताया था नाथुला दर्रे के बारे में कि ये दर्रा है ये भारत चीन के बीच सामरिक महत्व का केंद्र है नाथुला, और जो जेलेपा है दर्रा है ये सिक्किम राज्य में तो है ही, और यह है दोस्तों इस दर्रे से दोस्तों भूटान जाने का जो मार्ग है वो गुजरता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जेलेपा से आपको याद रखना है भूटान, ठीक है, और नाथुला से आपको याद रखना है दोस्तों तिब्बत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है,
कौन से दर्रे से? तो दोस्तों बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब आप, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसमें ये स्थित है, और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों तुजु दर्रा, ठीक है, अभी बताया था, सिपकिला दर्रा भी मैंने अभी बताया था, नाथुला दर्रा भी मैंने अभी आपको बताया था, और दोस्तों जो बोमडिला दर्रा है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब देखिए आप खुद सुमेलित कर सकते हैं इसको, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है बताइए, दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है ये दर्रा, ठीक है। और जो बोमडिल्ला दर्रा है, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिल्ला दर्रा, ठीक है। तुजु दर्रा कहाँ पर है? तो ये दोस्तों मणिपुर में है तुजु दर्रा, ठीक है। और जो सिपकिला दर्रा है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3124, 3124। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट भाषा में, देखिए किस में है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3124, तो सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, ठीक है, वो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए माना, माना दर्रा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जाते हैं इस दर्रे में से होकर कैलाश पर्वतीय घाटी पर दर्शन हेतु, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे हैं दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया था माना, नीति, लिपुलेख, ये तीन दर्रे हैं, ये दोस्तों उत्तराखंड में हैं। तो देखिए लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही दे रखा है। रोहतांग दर्रा है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। और मैंने अभी आपको बताया था पालघाट, कोच्चि से कोयम्बटूर यानी कि केरल में स्थित है ये पालघाट दर्रा, ये भी इसमें सही है। यहाँ पे नाथुला दर्रा देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, तो ये इसका मतलब गलत दे रखा है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों सिक्किम में है नाथुला दर्रा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए अगर आप 40 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों देखने के बाद आप खुद मन में सोचना कि हाँ मैंने वास्तव में दर्रे पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मैंने टेस्ट दिया है या नहीं दिया, कितने प्रश्न मेरे को आते हैं कितने प्रश्न मेरे को नहीं आते हैं, क्या मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, क्या मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ है ये आपको लास्ट में पता लग जाएगी, ठीक है, लेकिन देखने आपको 40 के 40 प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों टोगुप दर्रा भारत के, सॉरी टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? अब दोस्तों देखिए यहां पे जो टोगुप दर्रा है, ठीक है, ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है, ठीक है, म्यांमार को भारत से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था खेबर दर्रा कहां पर है, पहला ही पहला प्रश्न था अपना, ठीक है, तो खेबर दर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों खेबर दर्रे से ही सिकंदर, तैमूर, बाबर, चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, ये सभी है इसी खेबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये खेबर दर्रा वर्तमान में कहां पर है? तो पाकिस्तान में है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों पालघाट के बारे में है, अब अपन आ गए दोस्तों पश्चिमी घाट में, ठीक है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो
तो देखिए पालघाट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कोची से कोयम्बटूर को जोड़ता है ये पालघाट दर्रा, और साथ ही दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है ये पालघाट दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है, तो देखिए सिपकिला, सिपकिला दर्रा कहां पर है बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, वो है सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, और पाचाला दर्रा है ये भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और जो बारालाचा दर्रा है ये दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे मैंने दे रखा है जेलेपा, अब जेलेपा दर्रा है ये कहाँ पर है, तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है ये दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, ये जेलेपा सॉरी सिक्किम में स्थित है, कहाँ पर है सिक्किम में स्थित है ये जेलेपा दर्रा, और ये तिब्बत को जोड़ता है सिक्किम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बाराला दर्रा, पाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा है, जो जेलेपा दर्रा है ये दोस्तों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि ये सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जो 21 नंबर प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है, बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, तो देखिए बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल और जोजिला दर्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ये बुर्जिल दर्रा है ये मैंने आपको बताया कि वर्तमान पाकिस्तान में है, यानी कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है ये। ठीक है, और भारत आने का रास्ता दोस्तों बुर्जिल से ही आता है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोनों के दोनों दर्रे, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अकेला पाकिस्तान में नहीं है, भारत में भी है थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सूची फर्स्ट में पर्वतीय दर्रा है और सूची सेकंड में राज्य दे रखा है, अपने को इसमें क्या करना है सुमेलित करना है। देखिए मैंने आपको बताया था माना नीति लिपुलेख, ये दोस्तों माना ही है। ठीक है, माना नीति लिपुलेख ये दर्रा दोस्तों कहाँ पर है उत्तराखंड में, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, पहले का दोस्तों चार हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो दोस्तों नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो ये अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, और सिपकिला दर्रा है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4123, 4123, यानी कि इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, लेह, ठीक है, लेह लद्दाख वाला, ठीक है, लेह जाने का रास्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोजिला दर्रा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जास्कर श्रेणी में स्थित जम्मू कश्मीर में ये राज्य ये दर्रा है, और श्रीनगर को लेह राज श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये दर्रा। ठीक है, यानी कि लेह अगर आपको जाना है तो दोस्तों आप जोजिला दर्रे से होकर ही गुजरेंगे, क्योंकि राजमार्ग वहीं से ही जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच में स्थित है, तो वो है दोस्तों कौन सा, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनिहाल पास, कौन सा है सॉरी इसमें देखिए सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा है ये दोस्तों हिमाचल ये हिमालय के पास में भारत और चीन के बीच में ये स्थित है, कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये सिपकिला दर्रा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? तो वो है दोस्तों बनिहाल पास। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, दर्रे और राज्य में स्थिति दे रखी है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे दोस्तों उत्तराखंड में हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। बोमडिल्ला दर्रा है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। जेलेपा दर्रा है, तो दोस्तों जेलेपा दर्रा है ये सिक्किम में है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। सिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों तिब्बत को शिमला से जोड़ता है ये सिपकिला दर्रा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए वो है कौन सा दर्रा, तो वो है भोर घाट दर्रा। अब आ गए दोस्तों पश्चिमी घाट में जो दर्रा है, मैंने आपको 4 दर्रे बताए थे, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा गेप। तो यहाँ पे जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो यानी कि दोस्तों आप इसको कर सकते हैं कि कोलकाता और मुंबई को ये दर्रा है ये जोड़ता है, भोर घाट दर्रा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। और इसी बुर्जिल दर्रे से सभी लोग आए थे भारत में, याद है मैंने बताया था आपको। तो द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है दोस्तों कराकरम दर्रा। कौन सा है? कराकरम दर्रा है ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए बोर मत होना, अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है ये कराकरम दर्रा, और इसी कराकरम दर्रा में दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी भारत की वो इसी कराकरम दर्रे में है। क्या नाम है उसका? तो गोडविन आइस्टीन। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये गोडविन आइस्टीन, ठीक है, जो कि आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है। देखिए, चीन द्वारा जो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है POK में पहुंचने हेतु सड़क का निर्माण है वो इसी कराकोरम दर्रे में किया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों थाल घाट। कौन सा? थाल घाट, ठीक है, यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये बुर्जिल दर्रा, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में ये दर्रा स्थित है और वहीं से लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, तो द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है पाचाला दर्रा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा, स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें
जो 34 नंबर प्रश्न है, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो बोमडिल्ला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों तुजू दर्रा है ये म्यांमार को जोड़ता है भारत से, ठीक है, तो इसमें सही नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा दोस्तों भारत और चीन को जोड़ता है ये नाथुला दर्रा, ठीक है, और तिब्बत जाने का मार्ग है वो इस नाथुला दर्रे में से होकर ही जाता है, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, देखिए पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए ये पालधार नहीं है, पालघाट है, ठीक है, पालघाट, पालघाट दर्रा है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, यानी कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो वो है दोस्तों, इसमें अभी मैंने आपको बताया था बनिहाल दर्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हिमालयी दर्रा सिपकला निम्न में से किस एक में व्यवस्थित है? यह अच्छा प्रश्न है, हिमालयी दर्रा सिपकला निम्न में से किस एक में व्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतलज घाटी में। किस में? सतलज घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जो 40 नंबर का और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, सिपकला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, सिपकला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये सिपकला दर्रा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको जो सारे के सारे दर्रे थे वो मैंने आज आपको सारे दर्रे करवा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।